जहां तक मुझे याद है ये दुनिया का शायद पहला स्कूटर होगा जो कि लॉन्च होने से पहले 3 अपडेट ले चुका है, तो टेक्निकली 3 फेसलिफ्ट्स इवन बिफोर इट लॉन्च्ड। दैट्स राइट, 15th August 2021 को इसकी बुकिंग चालू हुई और जो प्रोडक्ट हमें दिखाया गया, और इस प्रोडक्ट में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। एक सेकेंड इटरेशन फिर एक साल बाद दिखाई गई, मीडिया को चलाने के लिए भी दिया गया, उसमें भी कई बदलाव किए गए, और फाइनली ये प्रोडक्ट जो है इसे आज एक डिफरेंट प्राइस पे लॉन्च किया गया है। तो कंपनी का नाम सिंपल है बट स्ट्रैटेजी सो फार हैज नॉट बीन वेरी सिंपल। व्हाई डू आई से दैट, लेट मी एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। नमस्कार, खमागणी दिव्यों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वॉचिंग एसएन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द सिंपल वन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द प्राइसिंग। तो 15 अगस्त 2021 को जब इसकी बुकिंग्स ओपन हुई थी पूरे देश में, तो इसकी प्राइस बताई गई थी 1,10,000, और इसका जो टॉप एंड वेरिएंट था वो लगभग 1,40,000 था। बट अभी सीन चेंज हो गया है। अभी इन्होंने बोला है कि क्योंकि हमने बैटरी पैक बढ़ाया है, गाड़ी का ओवरऑल वेट बढ़ा है, हमने इसे और ज़्यादा रिफाइन किया है, और ज़्यादा इसे रिलायबल बनाया है, तो उन सब के लिए ऑफकोर्स कीमत जो है वो थोड़ी ज़्यादा होगी। और कितनी ज़्यादा होगी, जहाँ पर स्टार्टिंग प्राइस पहले 1,10,000 थी, अब इसकी प्राइस हो गई है 1,45,000 रुपये। दैट्स राइट, और ये सब्सिडी मिलाने के बाद में है। फेम टू की जो नई सब्सिडीज़ है उसके बाद ये प्राइस बता रहा हूँ मैं। अब डिज़ाइन की अगर आप बात करोगे तो जो फर्स्ट इटरेशन था, अगर आप उसको पहली बार देखते तो आपको नज़र आता कि तो एथर जैसा लगता है, जबकि कंपनी ने अपना खुद का फ्रेम बनाया है, खुद की चैसी है। उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने की हैं, इनफैक्ट मोटर जो है वो भी इन्होंने की है, बैटरी पैक ऑफकोर्स ये बनाते हैं, सेल्स को ये कहीं से सोर्स करते हैं, बट ओवरऑल डिज़ाइन के लिहाज से जो फर्स्ट इटरेशन जो हमने देखा था वो एथर के क्लोज नज़र आया। फिर जो सेकेंड इटरेशन एक साल बाद दिखाया गया, दैट लुक्ड लाइक एन एजियर वर्जन ऑफ द सेम थिंग, और इसमें काफ़ी कुछ जो है वो आपको रिटेन करता हुआ नज़र आ रहा। वेट हालांकि इसका बड़ा है, मेजॉरिटी ऑफ द वेट हैज़ गॉन हियर, जहाँ पर एक फिक्स्ड बैटरी लगाई गई है 3.78 किलोवाट आर की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड द अदर बैटरी इज दिस, जो कि ऑलमोस्ट 1.3 किलोवाट आर की होनी चाहिए, क्योंकि टोटल कैपेसिटी 5 किलोवाट आर की है। वैसे अगर आप बैटरी इसका वेट की बात करोगे तो लग रहा है करीब 8 से 10 किलो के आसपास का इसमें वेट होना चाहिए, पर कहीं पर इन्होंने 7 किलो बोला है, कहीं पर इन्होंने 10 किलो बोला है, सो आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली कितनी है। और ऑल्सो ये जो पार्ट है बेसिकली, ये जब आप इसको वापस से डालते हैं तो ये थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा, कि क्वालिटी लेवल्स ना थोड़े से यूँ लग रहे हैं, ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि बाहर आ जाएगा, तो ये देख रहे हो आप कि ऑलरेडी ऐसा बाहर आ रहा है। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, तो अगर आप देखोगे पहले भी, मतलब जो इससे पहले वाला वर्जन हमने देखा था, इससे पहले इटरेशन, ये बहुत ज़्यादा फ्लिमजी है, सकते हैं कभी भी बाहर आ जाएगा, तो क्वालिटी शुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। इनफैक्ट यहाँ पर भी देखोगे तो कुछ कुछ जगह पे अभी भी फिनिशिंग जो है, एजेस जो हैं वो थोड़े से और बेटर होने चाहिए थे, बट जो स्कूटर इनफैक्ट इससे पहले दिखाया गया था वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अनफिनिश टाइप लग रहा था, बहुत सारे रफ एजेस थे जितने भी फुटेज हमने देखी उसमें, बट ये वाला कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है। नाउ देयर आर फ्यू वेरी सिंपल थिंग्स विच आई जेन्युइनली अप्रिशिएट, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब आप ओला चलाते हो तो वो जो ट्रांजिशन है, अगर आप पेट्रोल व्हीकल से सीधे किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाते हो तो वो ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि भैया हमने एकदम हर चीज़ टच कर दी है, और आपका इंडिकेटर का जो पोजीशन है वो भी अलग किया गया है, बटन्स एकदम अलग दिए गए हैं, बट देव कैप्ट इट रादर सिंपल। सबसे पहले एक प्रॉपर चाबी जो है वो आपको मिलती है, और यहाँ पे आप देखोगे ऑफ ऑन जो आपका रेगुलर सेटअप होता है वैसा ही है, फिर आप इसे लॉक करना चाहो तो लॉक कर सकते हो, ये सब चीज़ें दी गई है, और यहीं से अगर आप इसका बूट खोलना चाहो तो वो भी एक्सेस कर सकते हो। साथ में ये जो बटन है जैसे इंडिकेटर के, तो आपको प्रॉपर जो ओल्ड स्कूल दिए जाते हैं, क्योंकि आप अभी तक अर्गोनॉमिकली जब हम जितने स्कूटर चलाते हैं तो हमारी ऐसी आदत पड़ी हुई है, यहीं पर प्रॉपर आपको हॉर्न का बटन भी दिया गया है, फिर हाई बीम लो बीम करनी हो तो वो सारे आपको बटन यहाँ पर दे दिए गए हैं, ऑन ऑफ जो ट्रेडिशनली इंजन के स्विच का बटन होता है, यहाँ पे बैटरी ऑफ करने वाला बटन आप मान सकते हो, तो वो चीज़ें दी गई हैं। अब एक चीज़ जो नॉट सो सिंपल है वो इसका टच स्क्रीन बेसिकली, तो एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है पूरी टच ही है, आपको कहीं से भी और कुछ टॉगल करना हो तो कोई भी बटन आपको डेडिकेटेड नहीं दिया गया है, तो कहीं पर भी जाना हो आपको, ये देखिए मेरे को कुछ भी एक्सेस करना हो, ऑल्दो ऐप के थ्रू भी आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो, बट आप ये चीज़ें क्या है थोड़ा सा टॉगल अगर आप कर पाओ तो इजी हो जाता है, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपने दे दिया ऑल ऑफ दैट, तो बाकी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है चीज़ें, बट आई स्टिल प्रेफर द टॉगल इनपुट कि मेरे को जल्दी 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 इधर उधर जाना हो। टच यू नो एक्चुअली अच्छा है, और जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी मैट सॉर्ट ऑफ फिनिश है, तो बहुत ज़्यादा लाइट यहाँ पर है, उसके बाद भी कुछ ऐसा अजीब सा नहीं लग रहा हमें,
सो दैट यू नो काइंड ऑफ मेक्स इट ईजियर. बट या दैट्स व्हाट इट इज. ऑल्सो ये पता नहीं क्यों इस वाली स्क्रीन पे ना ये होम पेज पे जाने में थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है. मैं मोटर ऑन कर लेता हूँ एक बार. टेक्निकली स्टार्ट हो गया. वैसे भी स्टार्ट होने के बाद तो टच स्क्रीन आपकी ढंग से काम करनी नहीं चाहिए, बट ये उसके बिना भी काम नहीं कर पा रहा है, जा ही नहीं रहा है. मेरे को बार बार इधर आना पड़ता है. इनफैक्ट होम पे जाने के लिए मेरे पास एक्चुअली को सीधा एक्सेस मेरे को मिल नहीं रहा है. इधर आऊँ, ऐसे करूँ, इसको भी टैप कर लिया, किसी भी तरीके से होम पे नहीं जा पा रहा मैं, विच इज़ काइंड ऑफ यू नो इरिटेटिंग. तो मेरे को दो बार तो मेरे को ऐसा करना पड़ा कि मेरे को स्कूटर बंद करना पड़ा. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीट कम्फर्ट. ऑनेस्टली सीट वाइज मुझे तो कोई दिक्कत आ नहीं रही. इनफैक्ट पिलियन भी जो है ईजिली बैठ पाएगा. अगर आप चौड़े भी हैं और पीछे बैठते हैं तो भी पीछे ठीक ठाक जगह बच जाती है. और ग्रैब हैंडल्स जो हैं वो भी प्रॉपरली आपको दिए गए हैं पकड़ने के लिए. और एक चीज़ जो कि शायद ये अपने कॉम्पिटिशन से थोड़ी मात खा जाए वो है इसका बूथ स्पेस. अब यहाँ पे एक बैटरी आ गई है ऑफकोर्स, जो कि रिमूवेबल बैटरी, अपने घर पे ले जाके चार्ज कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बता दिया. फिर यहाँ पे एक हार्डली एक हेलमेट आएगा इफ़ इन केस आप ट्रैवल कर रहे हो और अपना चार्जर भी साथ में कैरी करना चाहते हो. 750 वॉट का ये चार्जर दे रहे हैं. अगर वो आ गया तो आप हेलमेट नहीं लगा सकते हो. फिर आपको वो ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे दबा के वैसे दबाना पड़ेगा. ऑलराइट, तो एक चक्कर काट के आते हैं. मतलब ये जो टेस्ट राइड्स होती हैं आपकी, उससे भी छोटी एक राइड इन्होंने की है. इको मोड में अभी हम चला रहे हैं. ये कुछ स्पीड ब्रेकर्स लगाए गए हैं. इनकी जो फैसिलिटी है इसी के आसपास एक्चुअली हम चला रहे हैं. और फिर ये कुछ स्पीड ब्रेकर को मिमिक करने की कोशिश इन्होंने की है. बाय द वे जो इसकी मोटर है वो लगभग 12 BHP के आसपास पावर निकालती है और 72 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क निकालती है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है. अब इको मोड अगर आप देखोगे तो ये 40, 42, 44 इतने पे आ गया एक्चुअली, विच इज़ नॉट बैड. क्योंकि ये लोग ने बोल रहे थे कि 40-45 के आसपास रहती है. राइड मोड में जाते हो, लेट्स सी हाउ इट गोज. एक थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच चाहिए था हमें एक्चुअली. राइड मोड आपने देखा और ज़्यादा थोड़ा सा फास्ट हो गया है. फिर आपके पास में दो और मोड्स हैं. एक डैश करके मोड है, जस्ट अ मोमेंट. डैश सुपरसोनिक पे चलाते हैं. डैश पे ही इसको वो करके रख रहा है, लॉक करके रख रहा है, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड. ब्रेकिंग एक्चुअली इसकी अच्छी लगी मुझे काफ़ी. और जो वेट है वो एक्चुअली फील हो नहीं रहा है. जो 135 की जिसका वेट है वो एक्चुअली फील नहीं हो रहा है. तो टॉप हैवी तो डेफिनेटली नहीं है. नॉट बैड. ब्रेक्स आर फिनोमिनल टू बी ऑनेस्ट. नॉट बैड. तो स्कूटर के दो घूमी घूमी वाले चक्कर लगाने के बाद में आई कैन से जस्ट टू थिंग्स. द एक्सेलरेशन इज ब्रिस्क. फास्ट फील डेफिनेटली होती है. इनफैक्ट इकोनॉमी मोड में भी वी कुड टच अबाउट 45 km/h. ऑल्दो ये लोग 40 बोल रहे हैं, बट वो एक एरर हम 4-5 km/h का मानते हैं. राइड एक ऐसा मोड है जिसके अंदर आप एक्चुअली पूरा दिन चला सकते हो. बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, जैसे अभी इको में 154 km/h की रेंज ही दिखा रहा है. द मोमेंट आई डू द राइड स्ट्रेट 63 km/h की रेंज हो गई, विच इज़ अ बिग बिग ड्रॉप. फिर उसके बाद में डैश पे 44 km/h और सोनिक पे 33 km/h ये आ जाता है. दैट मीन्स इफ यू वांट टू गन इट, यू वांट टू कीप इट इन हायर से द सेटिंग्स, जैसे कि डिफरेंट मोड्स में आपको रखना है, तो उस टाइम पे आप थोड़े से रेंज एंक्शियस हो सकते हैं. एक्चुअल रेंज अगर ये 150 km/h भी दे देती है, इट विल बी मोर देन इनफ. इनफैक्ट इट विल बी द बेस्ट इन द सेगमेंट इन दैट सेंस. तो ये कुछ फर्स्ट सॉर्ट ऑफ इंप्रेशन है, फर्स्ट लुक वीडियो आप इसे बोल सकते हो. इट्स नॉट अ राइड रिव्यू, इट्स नॉट अ रिव्यू. वो आएगा जब हम इसे लंबे समय के लिए चलाएंगे. बट ओवरऑल आई थिंक इफ दे कुड सम हाउ प्राइस इट स्लाइटली मोर एग्रेसिवली, दिस वुड हैव बीन अ गेम चेंजर. इट कैन स्टिल बी अ गेम चेंजर. वुड यू थिंक? यू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. और क्या आपको लगता है कि पहले प्राइसिंग जो बताई गई थी उस पर इनको बुकिंग्स ओपन करनी चाहिए थी? और अगर बुकिंग्स ओपन की है तो जो पुराने कस्टमर्स थे जिन्होंने कम प्राइस पे बुक किया था, क्या उनको पुरानी प्राइस पे दिया जाएगा? एक्चुअली नहीं, उनको पुरानी प्राइस पर नहीं दिया जाएगा, नई प्राइस पर ही लेना पड़ेगा. सो दिस इज काइंड ऑफ स्लाइटली मिसलीडिंग हो गया.
अभी प्राइसेस एकदम फ्रेश आई है, तो उसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।